नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको फ़ोन बाय करने से पहले पता होना चाहिए। देखिए, ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और आप इस फोन को बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के एप्लीकेशन से। इवन आप इस फोन को बाय कर सकते हो ऑफलाइन स्टोर से भी। फोन काफ़ी अच्छा है, लुक एंड डिजाइन आप यहाँ पर देख पाओगे। देखने में ये फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन इस फोन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, मतलब बाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए। क्या कुछ है सभी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, फोन लुक एंड डिजाइन के मामले में काफी सही है, आप यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक फ्लैट डिस्प्ले है। लेकिन जो ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन है, ये फोन डिस्काउंट करने के बाद इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग होने वाला है 24,000 में आपको मिलता है फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जबकि इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है कर्व एमोलेड डिस्प्ले। कर्व एमोलेड डिस्प्ले ज्यादा बेटर होता है, मतलब देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा कर्व डिस्प्ले। हालांकि प्रोटेक्शन वाइज फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा बेटर होता है, लेकिन ओवरऑल देखने में ज्यादा अच्छा आपको लगेगा कर्व डिस्प्ले, बिकॉज प्रीमियम फील देता है कर्व डिस्प्ले। तो पहली बात ये हो गया। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन है, इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ से, जहां पर 64MP का मेन कैमरा है, उसके बाद है 8MP का अल्ट्रा वाइड, फिर है 2MP का माइक्रो कैमरा। देखिए, कैमरा का सेटअप भी सही है, लेकिन ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन में OIS नहीं दिया गया है, जिससे आप नाइट में फोटोग्राफी वगैरह उतने अच्छे लेवल तक नहीं कर पाओगे। जबकि ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन का प्राइसिंग है 24,000, इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है OIS कैमरा वाला सेटअप, या फिर आप कह सकते हो इससे बेटर कैमरा आपको मिल सकता है इस प्राइस रेंज में। जैसे कि हाल ही में लॉन्च हुआ है Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन, जिसका कैमरा सेटअप काफी इम्प्रेसिव है, बिकॉज Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको मिलता है टेलीफोटो कैमरा, जो कि है 32MP का। तो कैमरा के मामले में भी ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है। हालांकि ओप्पो F25 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको मिलता है 32MP का सेल्फी कैमरा, जिससे आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps तक। तो फ्रंट कैमरा इस फोन का काफी सही है, बैक कैमरा काफी एवरेज ही है। और दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो तो फ्लैट डिस्प्ले है ही, प्लस में इस पर प्रोटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। आपको मिलता है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, जबकि इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता था गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह का भी प्रोटेक्शन। उसके बाद इस फोन का जो चिपसेट है वो काफी सही है, आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050, जो कि आता है LPDDR4X RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। तो ये चीज काफी सही है, प्राइस के हिसाब से ये चीज सही है। दोस्तों, इस फोन में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सिर्फ जान रहे हैं जो आपको बाय करने से पहले पता होना चाहिए। दोस्तों, इस फोन में हेडफोन जैक भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब 3.5mm वाला जो गड्ढा होता है वो इस फोन में नहीं है, आपको वायरलेस ही यूज करना पड़ेगा। तो इस फोन में कई सारे ऐसे छोटे मोटे चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए फोन को बाय करते वक्त। सबसे पहले इस फोन का जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा दिखेगा। जैसे कि अगर आप अभी बाय कीजिएगा, इसका पहला सेल आने वाला है 5 मार्च को, उस दिन बाय कीजिएगा तो इसका जो बेस वेरिएंट है, जो कि है 8GB 128GB का, ये फोन आपको मिलेगा 24,000 में। और जो 256GB का वेरिएंट है, ये फोन आपको मिलेगा 26,000 में। प्राइसिंग भी इस फोन का ज्यादा है, लेकिन कुछ इश्यूज भी है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और दोस्तों, इस फोन में आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो, बिकॉज इसका भी स्लॉट दिया गया है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फोन में मिल जाता है, IP65 का रेटिंग है। तो कुछ ऐसे चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए फोन को बाय करने से पहले, बिकॉज इस प्राइस रेंज में यानी 24,000 के रेंज में आपको मिलता है Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन भी, और भी कई सारे कंपनी के फोन आपको मिल सकते हैं जो कि इससे कहीं बेटर स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराती है सेम प्राइस रेंज में। तो आप फोन बाय करते टाइम इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा और आप अपने नीड के हिसाब से बाय कीजिएगा। किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है तो किसी को कर्व डिस्प्ले पसंद आता है, आप अपने नीड के हिसाब से जा सकते हो। फोन अपने प्राइस रेंज में काफी सही है, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस होता है। मुझे जो इश्यूज दिखा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये चीज आपको पता होना चाहिए इस फोन को बाय करने से पहले। धन्यवाद।